Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Uzma Khalid Ansari and my NEET 2024 score is 653, alhamdulillah. In physics, I secured 157 marks, in chemistry 162 and in biology 335. So, aap chemistry mein 162 laaye, right? Ji sir. To kaise ho aap marks obtain kiye? Firstly to ye this was not my first attempt. So in my NEET 2023 I secured overall 520 marks. So in that 520 my chemistry was playing only a little part. In chemistry I secured last year 80 marks, just 80. So and this year alhamdulillah I'm securing 162 marks. So itne gap ko cover karne mein seriously competitive hub ka bahut bada role raha hai. Firstly, when I came to know about competitive hub, तो pamphlets के through पता चला था, advertisement के through, and then Rafi sir को personally भी थोड़ा पहले जानते थे. So I got to know about YouTube channel. तो जब वो channel पे गई, तो firstly I saw the introductory video. तो उस video को देख के बहुत ज़्यादा calm feel हुआ, and courage मिली, क्योंकि sir ने उसमें बोल दिया था कि मतलब न्यू ट्रिक्स से जब आप केमिस्ट्री को अप्रोच करेंगे तो केमिस्ट्री में 150 स्कोर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. तो मेरे लिए तो पहले ऐसा था कि 100 प्लस आ जाए 100 प्लस आ जाए, बट देन जब ऐसा कॉन्फिडेंस मिला सो आई थॉट दैट दिस इज़ द बेटर ऑप्शन. तो मैंने उसी से करना स्टार्ट किया एंड कंटिन्यू किया, कॉन्फिडेंस आता गया, मार्क्स बढ़ता गया. तो उस वीडियो लेक्चर में क्या आपने यूनिक चीज़ पाया, कैसे हेल्प किया आपको? यूनिक चीज़ एक्चुअली मैंने इससे पहले भी बहुत सारे केमिस्ट्री के, जब मुझे केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी आती थी मैंने इससे पहले और भी चैनल्स पे अप्रोच किया था, मैंने और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे थे. एक बेसिक से जो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो हर कोई बता देता है. यहाँ पर मुझे एक चीज़ चेंज ये लगी और एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये लगी कि यहाँ पर ना सिर्फ मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया जा रहा था, उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाए, उस क्वेश्चन को वही एक बच्चा एक मिनट में कर लेगा, उसको डेढ़ मिनट में कर लेगा, एक मिनट में कर लेगा, बट वही क्वेश्चन को आप 30 सेकंड्स के विदिन कैसे सॉल्व कर सकते हो वो बताया गया. और ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट ऑल्सो इन फिज़िक्स मैंने ये चीज़ अप्लाई की थी कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, आपको क्वेश्चन को किधर एंड करना है वो आना चाहिए. सो दैट थिंग बेसिकली हेल्प मी विच वॉज वेरी न्यू टू मी आफ्टर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव हब. और भी बहुत सारी ट्रिक्स थी जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स थी जो कि काफ़ी यूज़फुल रही पूरे प्रिपरेशन में. तो आप आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर के बारे में? एक चीज़ वेरी क्लियर कि कोई भी सब्जेक्ट को अपनी वीकनेस ना बनाए. हर चीज़ मतलब ऐसी है कि आपके लिए हो सकता है एट द पॉइंट डिफ़िकल्ट होगी, वो आप जब आप उसके साथ जब आगे डील करेंगे इन अ सिंपलर वे, आपको खाली राइट गाइडेंस की ज़रूरत है. तो गेट द राइट गाइडेंस एंड कंटिन्यू विथ इट. अगर आप उसको लेके बैठ जाएंगे तो वो नहीं होगा. तो एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे कि हार्डवर्क करते रहिए और वो हो जाएगा. सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं होती है, आपको बस करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है. आप बेस बुक्स पकड़ के चलिए, बहुत ज़्यादा बुक्स की भी ज़रूरत नहीं होती है. मैं जब कॉम्पिटिटिव हब के लेक्चर्स देखती थी तो बेसिकली केमिस्ट्री में हर एक कंसेप्ट के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, तो उन्हीं को सारा प्रैक्टिस कर लिया तो सारे कंसेप्ट कवर हो गए. इसके बाद अगर और भी कुछ रिक्वायर्ड है तो आई यूज़ टू रिफ़र एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इतना मोर देन इनफ था. अपनी स्टडी को कंसाइज करके पढ़ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर हेल्प करेगा कि हाँ इतना ही पढ़ना है, तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा नहीं लगेगा और हर चीज़ ईजी लगेगी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं भी आपको दुआएं दूंगा और बोलूंगा कि चलो किसी भी तरह मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपको हेल्प कर पाया, मेरा वीडियो लेक्चर आपको हेल्प कर पाया. तो जैसा देखा बच्चों आपने कि इनका कहना है कि जो मैंने केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं है, जितना चीज़ें बताया गया अगर उसको आपने सही से फॉलो किया, जो ट्रिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, जो अप्रोच हैं और जो उसमें क्वेश्चन है अगर उसको आप सही से करेंगे तो इंशाल्लाह आप आराम से 150 ला सकते हैं, और अगर आपने सही से किया तो 160 170 भी लाना बहुत ईजी है. एक और मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने 175 किया है, जस्ट एक क्वेश्चन उसका रॉन्ग गया है. तो जस्ट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अदर
यूट्यूब से लेक्चर बहुत सारे हैं लेकिन उसमें टाइम वेस्ट बहुत सारा हो सकता है, इसलिए सही चूज करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।